हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको ये तीन मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बताता हूँ जो मैं जानता हूँ, और थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। आपने कमेंट में बहुत बार बोला है कि कौन सी मशीन अच्छी आती है 500 कॉपी के लिए, या दिन में 500-300 या कॉपी निकालना है तो कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये कैनन 3300 है, 3300 मशीन, जो आप दिन में अगर 500 से 600 कॉपी निकालते हो तो उसके लिए बढ़िया सी प्रिंट मशीन है। इसमें आगे पीछे भी हो जाता है, डुप्लेक्स हो जाता है, आईडी कॉपी हो जाता है, सब बढ़िया है। और मेंटेनेंस भी कम है, क्योंकि इसका 300 तो 350 रुपये के आसपास ड्रम मिल जाता है, जो 15 या 20 हज़ार कॉपी के बाद चेंज करना रहता है। और 100 रुपये की 200 रुपये की ब्लेड आ जाती है, और टोनर 600 रुपये किलो टोनर आ जाता है। बस यही मेंटेनेंस है ज़्यादातर, और कोई दिक्कत आ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2000 के आसपास खर्चा होता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट है, जो स्मॉल बजट में चाहिए तो। बाकी दूसरा स्पीड में चाहिए तो स्पीड में भी ये वाली मशीन है, जिसमें जिसका मॉडल नंबर है 6570, जिसकी 65 की स्पीड आती है। और मेंटेनेंस में भी ये जीरो मेंटेनेंस ही है, ज़्यादा मेंटेनेंस उतना नहीं आता है, कभी कभार कोई कोई मेंटेनेंस आ जाता है तो आ जाता है। लेकिन अगर आपके उधर 1000 से लेकर 5000 तक कॉपी निकालना रहता है दिन में तो यह मशीन बढ़िया है। ये देखिए, ये इसकी स्पीड भी, बस इसमें लेज़र और मैग्नेट और ड्रम तीन चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बाकी मशीन एकदम बढ़िया आता है। देखिए, ये इसका फिक्सिंग वगैरह है। बाकी आप बताइए कमेंट करके कि मैं कौन सी मशीन के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो फुल डिटेल में मैं वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। ये अभी ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी मशीन क्या आती है। और एक दूसरी मशीन ये है कलर मशीन, जो है जेरोक्स अल्ट्रालिंक 8030। जैसे 7835, 7855 आती है, सेम ही आती है, लेकिन इसकी एलईडी अलग आती है थोड़ी, और थोड़ा बहुत फीचर्स भी अलग है इसके, बाकी सब सेम ही है। देखो, चार कलर, चार ड्रम यूनिट भी सेम ही है उसके जैसे, 7800 की जैसे, बाकी सब सिस्टम सेम है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स अलग है। जैसे कि देखो, यहाँ पे एलईडी दिया हुआ है, बटन वगैरह नहीं है, जो करना है यहाँ से टच स्क्रीन से ही करना पड़ेगा। ये इसका होम मेन्यू है, यह स्कैनिंग के लिए, यह कॉपी के लिए, यह आपको क्या कॉपी करना है, टू साइड करना है, पेपर सप्लाई कहाँ से लेना है, वो वगैरह वगैरह सब। लाइट कार का भी इधर ही दिया हुआ है, बाकी सब सेम ही है, खाली डिस्प्ले अलग दिया हुआ है। और इसकी प्रिंट कॉपी क्वालिटी भी अच्छी आती है, देखिए मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए इसकी प्रिंट आउट। तो ये कलर मशीन है 8030। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और ये मशीन 6570, इसके ऊपर अभी आप वीडियो चाहते हैं तो मैं भी बना दूंगा, क्या क्या इसमें मेंटेनेंस है, क्या टोनर है, क्या क्या सर्विस में आता है वो सब। और ये 3300 तो आप जानते ही हो, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ड्रम वगैरह आप खुद चेंज कर सकते हैं। और ये इसमें डीपी यूनिट है, इसमें टोनर भरना है, बाकी कुछ जामिंग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो तो मशीन सही रहेगी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैंने आपको बता दिए ये तीनों मशीन। अगर आप चाहते हो कोई वीडियो मैं बनाऊँ किसी चीज़ के ऊपर, कोई एरर के ऊपर, तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।